क्या आप हमारे फ्यूचर में यूज़ में आने वाली कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही गजब की हैं, जैसे कि सेल्फ हीलिंग कंक्रीट, यानी कि ऐसा कंक्रीट जो कि टूटने के बाद अपने आप हील हो जाता है, यानी कि अपने आप जुड़ जाता है। और फ्यूचर में यूज़ होने वाली हैंड वॉच जो कि बिना किसी पावर के चलेगी, यानी कि उसमें कोई भी सेल या कोई भी अदर चीज़ यूज़ नहीं होगा, वह अपने आप ही चलती रहेगी। और लिविंग रोबोट्स, यानी कि आप तो आजकल जानते हैं कि रोबोट मशीनरी चलते हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले जो रोबोट्स हैं वह लिविंग होंगे, यानी कि वो जिंदा रहेंगे। तो ऐसे हमारी फ्यूचर की कई सारी गजब टेक्नोलॉजीज के बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। जैसा कि आप इस बारे में जानते हैं कि हमारे वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कई सारे ऐसे इन्वेंशन होते रहते हैं जो कि हमारे लिए और हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम के होते हैं, और इससे हमारी लाइफ बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो इस वीडियो में आपको कुछ ऐसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में बताने वाले हैं जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते हैं, और इन टेक्नोलॉजी के आने के बाद हमारी पूरी लाइफ, यानी कि हमारी पूरी दुनिया ही चेंज हो जाएगी, हमारे पूरे रहने का तरीका सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो इन्हीं टेक्नोलॉजी के लिस्ट में जो सर्जी ज़िमोव हैं, जो कि एक रशियन साइंटिस्ट हैं, वह 12,000 साल पहले का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमारी वाइल्ड लाइफ, जैसे कि हमारी पहले एग्जिस्ट करती थी 12,000 साल पहले, बिल्कुल एग्जैक्ट वैसी वाइल्ड लाइफ क्रिएट करेंगे जो कि बिल्कुल हाइब्रिड नहीं होंगी। यानी कि आजकल कई सारी ऐसे एनिमल स्पीसीज आ गई हैं जो कि हाइब्रिड से प्रोड्यूस हुई हैं, और लेकिन वह ऐसा एनवायरनमेंट चाहते हैं जैसे कि पूरा एनवायरनमेंट पहले हुआ करता था 12,000 साल पहले, और वैसी एग्जैक्ट एनिमल स्पीसीज वे क्रिएट करेंगे फ्यूचर में। और फ्यूचर टेक्नोलॉजी का लिस्ट में जो एक नाम आता है वह है आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स और सिलिकॉन चिप्स, यानी कि सिलिकॉन चिप्स में हम आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को अटैच कर सकेंगे, जिसके वजह से जो कोई भी सिग्नल हमारे नसों के द्वारा हमारे हार्ट में या किसी भी बॉडी पार्ट में ट्रांसफ़र होता है हम उसे नोटिस कर सकेंगे, जिसके वजह से जो भी हार्ट अटैक से प्रॉब्लम्स होती हैं जिसे हम नोटिस नहीं कर पाते, यानी ऐसा क्यों हुआ, और अल्जाइमर जैसे प्रॉब्लम को हम इससे छुटकारा पा सकेंगे। और जैसे हमको पता है कि हमारे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसे सिर्फ 140 नैनोवाट्स की पावर की जरूरत पड़ती है, जो कि एक बिलियनथ पार्ट है जो कि एक माइक्रोप्रोसेसर की जरूरत पड़ती है, यानी कि माइक्रोप्रोसेसर से 140 नैनोवाट्स की जो पावर होती है वह बहुत ही छोटी होती है, जिसके वजह से हम इसे नोटिस नहीं कर पाते हैं। बट इसका यूज़ करके साइंटिस्ट को यह भरोसा है कि फ्यूचर में वह इसका बिल्कुल नोटिस कर पाएंगे कि वह कितनी ज़्यादा एनर्जी उसे जरूरत पड़ती है और उसका वाइब्रेशन कैसा होता है, वह कैसे वर्क करता है, और इसको नोटिस करके वह काफ़ी ज़्यादा इसमें सक्सेस पा सकेंगे। और जैसे कि आप इस बारे में जानते हैं कि जो लोग भी अपनी बॉडी पर कहीं पर भी, हाथ या पैरों पर कहीं पर भी टैटू बनवा लेते हैं परमानेंट, उसे रिमूव करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो उसे रिमूव करना ही पड़ता है। तो इसका एक निजात पाने के लिए एक PhD स्टूडेंट ने, जिनका नाम है एलेक फ्लैंकहैम, जो कि US में रहते हैं, उन्होंने एक ऐसी क्रीम डेवलप किया है जो कि आपके WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स में, जिसे कि मैक्रोफैग्स कहते हैं, उसमें अगर उसे कुछ यूज़ किया जाता है तो उसका यूज़ करके आपके ब्लड सेल्स में वह अंदर से रिएक्ट करता है, जिसकी वजह से जो भी इंक होती है वह ऑटोमेटिकली आपकी स्किन से छूटने लगती है, और जो आपका टैटू होगा वह ऑटोमेटिकली साफ़ हो जाएगा, और आप कोई भी दर्द नहीं होगा ना कोई प्रॉब्लम होगी, और यह बहुत सस्ता इलाज है। और आप इस बारे में जानते ही होंगे हमारे फ्यूचर में सेल्फ ड्राइविंग कार्स आने वाली हैं जो कि ऑटोमेटिकली बिना किसी ह्यूमन के अपने आप चलेंगी, यानी कि उन्हें किसी भी ड्राइवर की जरूरत नहीं पड़ेगी, और इन्हीं सीरीज में सेल्फ ड्राइविंग ट्रक्स भी आने वाले हैं। शायद आप इस बारे में ना जानते होंगे बट ये क्लियर है, यानी कि हमारे फ्यूचर में ऐसे ट्रक्स भी होंगे जो कि लगेज को एक जगह से दूसरी जगह बिना किसी ड्राइवर के आसानी से पहुँचाएंगे, और वह कॉस्ट इफेक्टिव होंगे, यानी कि उनमें ज़्यादा कॉस्ट भी नहीं लगेगी, और वह जो ड्राइवर अगर उसमें नहीं होंगे तो वह थकेंगे भी नहीं, यानी कि क्योंकि उसमें जो कंप्यूटर लगे होंगे वह कभी भी नहीं थकेंगे, और वह फ्यूल को आराम से मैनेज कर सकेंगे, यानी कि कम फ्यूल में वह ज़्यादा दूरी तक कैसे पहुँचे वह सब पूरा मैनेजमेंट कर लेंगे। और जैसे कि आपको इस बारे में पता है, हम कोई भी चीज़ अगर मार्केट से ख़रीदते हैं तो हम उसकी एक्सपायरी डेट जरूर देखते हैं, जिसके वजह से हम कोई भी ख़राब फूड ना खाएं और हम बीमार ना पड़ें, और इसी के लिए हमारे फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी आने वाली जो कि है बम्प मार्क है, अगर कोई भी ब्लाइंड पर्सन अगर कोई भी चीज़ ख़रीदता है अगर उसे कोई भी ख़राब चीज़ देते तो वह कैसे पहचान पाएगा, तो इसी के लिए टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया है जिसे कि बम्प मार्क कहते हैं। और यह कैसे काम करेगा, तो फ्यूचर में जो भी लेबल्स होते हैं, यानी कि फूड की पैकेजिंग जो होती है उसमें लेबल एक अलग से लगा हुआ होता है जिसमें कि सब कुछ लिखा हुआ होता है, उसकी डिटेल मैन्युफैक्चरिंग एंड एक्सपायरी डेट सब कुछ लिखा हुआ होता है, और उसी लेबल में टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा जिसमें कि इस लेबल को उसमें लगा दिया जाएगा, और जब वह सामान ख़राब होगा ऑटोमेटिकली ये जो बम्प मार्क होगा वह ऊपर उठाएगा, यानी कि पहले जब वो सामान अच्छा रहेगा तब तक कुछ भी नहीं होगा, बट जैसे ही सामान एक्सपायर होगा उसके पैकेजिंग में ही वह बम्प मार्क ऊपर आ जाएगा, और अगर कोई ब्लाइंड पर्सन भी उसे ख़रीदता है समझ जाएगा ये जो सामान है वह ख़राब है, और वह उस ख़राब सामान खरीदने से बच जाएगा, और ये टेक्नोलॉजी बहुत ही उसमें आने वाली है हमारे। और जैसे कि आपको पता है कि हम सिंपल कार्स से सेल्फ ड्राइविंग कार्स अपग्रेड होने वाले हैं, और उसी प्रकार से हमारा जो फ्यूल सिस्टम है उसे भी हम ख़त्म करने वाले हैं, यानी कि हमारी गाड़ियों में कोई फ्यूचर में फ्यूल नहीं डलेगा, जिसकी जगह हम सिर्फ बैटरी का यूज़ करेंगे, यानी कि वह जो कार्स होंगी वह बैटरी से चलने वाली हैं।
तो क्या आपको उस बारे में बताया कि हमारे फ्यूचर में जो कार की बैटरीज होंगी वह कितनी देर में चार्ज होंगी, यानी कि हम फ्यूल डलवाते हैं बहुत जल्दी डल जाता है, लेकिन जो कार की बैटरीज होंगी वह कितना समय लगेगी चार्ज होने के लिए, तो उसमें भी काफ़ी समय लगता था। बट फ्यूचर में ऐसी टेक्नोलॉजी होगी जो कि सिर्फ कार को 10 मिनट में चार्ज कर देगी, यानी कि अगर आप उतर कर कोई भी कॉफ़ी या चाय पीते हैं तो उस समय तक आपकी जो कार होगी वह फुल चार्ज हो चुकी होगी, यानी कि सिर्फ 10 मिनट में आपकी कार की बैटरी फुल हो जाएगी। और अगर आपके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट या हेलीकॉप्टर नहीं है, और अगर आप फ्यूचर में कभी भी आसमान में जाना चाहें, यानी कि आप चाहें कि हम थोड़ा सा उड़ना चाहते हैं और स्पेस में देखना चाहते हैं कैसे दिखाई देती है हमारी पृथ्वी, तो अब ये फ्यूचर में आम हो जाएगा, यानी कि आप जब भी चाहें आसमान में जा सकते हैं और सी लेवल से आप 32 किलोमीटर तक की हाइट पर उन हॉट बलून्स के माध्यम से जा सकेंगे। और प्लेटफॉर्म में कीड़ा होता है जो कि बहुत ही गजब का कीड़ा होता है, अगर उसका सिर काट दिया जाए तो वह अपने सिर को फिर से रिप्रोड्यूस कर देता है, और अगर उसके सिर को बीट से काट दिया जाता है तो अपने बीच से काटे हुए सिर को दो सिर बना देता है। तो साइंटिस्ट जो हैं वह पता लगाने में लगे हुए हैं कि कैसे पॉसिबल है, यानी कोई भी चीज़ कोई भी जीव का अगर काट दिया जाता है तो फिर से रिप्रोड्यूस कैसे हो सकता है, बट एक सिर से दो सिर यह कैसे बन सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो जब फ्यूचर में हमारी AI यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप होगी वैसे सिर्फ 42 हावर्स में पता लगा लेगी, यानी कि एक सिर से दो सिर ये सब ये जो भी मिस्ट्री है जो कि हमारे साइंस पता नहीं लगा सके, यानी कि एक सिर से दो सिर या कटे हुए सिर से रिप्रोड्यूस सिर, यानी कि फिर से रिप्रोड्यूस हुआ सिर, ये कैसे पॉसिबल है, किसी भी चीज़ को रिप्रोड्यूस कैसे किया जा सकता है, जो भी साइंटिस्ट हमारे यहाँ तक पता नहीं लगा पाए हैं फ्यूचर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके हम ये सब कुछ पता लगा सकेंगे। तो फ्यूचर में यूज़ में आने वाली कुछ गजब टेक्नोलॉजी की लिस्ट में एक नाम आता है वह फ्लोटिंग फार्म का, यानी ऐसे खेत जो कि तैरते हुए होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में ऐसे भी खेत होंगे जो कि तैर रहे होंगे, यह पॉसिबल है, यह कैसे पॉसिबल है। तो आजकल आपने देखा ही होगा हमारे जो जनरल खेत होते हैं उसमें जनरली हम सॉइल में एग्रीकल्चर यानी कि खेती करते हैं और उससे कुछ भी चीज़ उगाते हैं, उसी प्रकार से फ्यूचर में कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी का यूज़ आने वाला है जिसमें कि ऐसे खेत होंगे जो कि हवा में तैर रहे होंगे। और ये कैसे हो सकेगा, तो इसके लिए 3-लेयर सिस्टम का यूज़ किया गया है। सबसे ऊपर सोलर पैनल का यूज़ किया जाएगा जो कि एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, और उसके नीचे ऐसा लिक्विड भरा हुआ होगा और उसमें मिट्टी की जगह सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही होंगे। जैसे आपको पता है किसी भी चीज़ को उगने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है, तो उन्हें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे जिसके वजह से वे सफिशियंट अमाउंट में बिल्कुल अच्छे एनर्जी के साथ उग सकें, यानी कि वह आराम से उग सकेंगे, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उगने में। और उसके नीचे फिश का प्रोडक्शन भी होगा, यानी कि वहाँ पर जो पानी होगा उसके नीचे फिश भी रहेंगी और वह भी बहुत अच्छी तरीके से प्रोड्यूस हो सकेंगी। तो यूनाइटेड नेशन ने यह प्रेडिक्ट किया है कि 2 बिलियन ज़्यादा पीपल हमारे 2050 तक ऐड हो जाएंगे, जिसमें कि 70% ज़्यादा फूड की ज़रूरत पड़ेगी हमें, और जिसमें कि 80% जो लोग होंगे वह अर्बन यानी कि शहर इलाकों में रहेंगे, जिसमें कि काफ़ी सारा हमारे फूड की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसलिए फ्यूचर में हमारी ऐसी गजब टेक्नोलॉजी आने वाली है जिसमें कि हम सिर्फ ज़मीन में नहीं बल्कि हवा में, यानी कि आप तो समझ रहे हैं कि फ्लोटिंग फार्म आएंगे तो हम ऊपर ही ऊपर किसी भी सब्जियों को या फिर कई सारी चीज़ों को उगा सकेंगे। और हम भविष्य में बहुत ही गजब की टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं हमारे आग बुझाने के लिए। जैसे कि आपको पता है कि हमारे बड़े बड़े जंगलों में जब आग लग जाती है तो उसे बुझाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बट फ्यूचर में हम बहुत ही डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी का यूज़ करने वाले हैं। तो कैसे हो सकेगा, तो ये टेक्नोलॉजी का हम ड्रोन से यूज़ करेंगे, यानी कि जो ड्रोन्स होते हैं उससे बहुत ही ज़्यादा तेज साउंड वेव्स प्रोड्यूस की जाएगी। जैसे आपको पता है कि साउंड वेव से बहुत ज़्यादा पावर होती है जिसके वजह से उससे प्रेशर वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, उन्हीं प्रेशर वेव्स का यूज़ करके जो भी ऑक्सीजन सप्लाई होती है, जैसे आपको पता है कि किसी भी अगर आग को ऑक्सीजन ना दी जाए तो अपना बुझ जाता है, उसी प्रकार से अगर हम बहुत ही हाई प्रेशर वेव्स को उस आग के आसपास भी करते हैं तो वहाँ पर अगर ऑक्सीजन सप्लाई थोड़ी भी रुक जाती है तो आग अपने आप बुझने लगेगी। और इसी का यूज़ करके हम फ्यूचर में बड़े बड़े जंगलों की आग बुझा सकते हैं। एंड हार्ट मॉनिटरिंग टी शर्ट, यानी कि ऐसे टी शर्ट जो कि हमारे हार्ट रेट को मॉनिटर कर सकेगी। और जैसे कि आपको पता है कि हमारे सिंपल से हैंड बैंड से भी और कई सारे की जैसे कि हैंड वॉच आती है उसी प्रकार से हैंड बैंड से भी आते हैं जिनका यूज़ करके हम अपने हार्ट रेट को मेजर कर सकते हैं, यानी कि हमारा हार्ट की यानी कि दिल की जो धड़कन है वह कितनी तेज़ या धीमे चल रही है उसका यूज़ करके हमें पता लगा सकते हैं। बट ये जो शर्ट है ये बहुत ही डिफरेंट है और इसमें एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। जैसे आपको पता है कि अगर किसी माइन्यूट रिजल्ट को हमें चाहिए, यानी कि बहुत ही छोटा रिजल्ट छोटे लेवल पर और बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए, तो हमें किसी भी चीज़ को बहुत ही एक्यूरेसी करना पड़ता है, और ये टी शर्ट वही काम करती है।
यह बिल्कुल इसमें ECG प्रिंट किया गया है फैब्रिक में, यानी कि जो भी इसमें रेशे बनाए गए हैं उसमें ECG प्रिंटिंग है, जिसकी वजह से यह बिल्कुल एक्यूरेट मेज़र करती है। और ये कंपनी कायमेरा द्वारा बनाया गया है। और ये जो टी शर्ट है इसमें ब्लूटूथ का यूज़ करके ये अपने एक क्लाउड इंटरनेट में अपना पूरा डाटा ट्रांसफ़र कर देती है, जिसका एनालाइज कोई भी पर्सन कर सकता है। जैसे कि आप चाहें कि मेरा 2-4 दिन में हार्ट बीट यानी हार्ट रेट जो है वह कितना बढ़ा या घटा, जो कुछ भी इसमें चेंजेस हुआ वह आप देख सकते हैं। और ये जो पूरा एनालिसिस है आप 1 महीने में 2 महीने में या किसी भी समय में देख सकते हैं। और ये बहुत ही एक्यूरेट टी शर्ट है, यानी कि इसकी एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है बाकी अदर ब्रांड्स जो हम यूज़ करते थे ट्रेडिशनल। और जैसे कि आपको पता ही हमारे फ्यूचर में सभी टेक्नोलॉजीज का अपग्रेडेशन होने वाला है, उसी प्रकार से हमारे फ्यूचर की जो ट्रेंड्स होंगी वह भी आज की ट्रेंड से बिल्कुल ही अलग होंगी और बहुत ही ज़्यादा अपग्रेड होने वाली हैं। जैसे कि हमारी ट्रेंड्स में जो आज हम सफ़र 7.5 से 8 घंटे में ट्रैवल कर पाते हैं, वही हम फ्यूचर में सिर्फ 30 से 35 मिनट में कर पाएंगे। और इसकी शुरुआत आज के एलन मस्क जो कि पेपाल, टेस्ला मोटर्स और स्पेसएक्स के फाउंडर हैं, उन्होंने कर दी है। और उन्होंने हाइपरलूप को डेवलप किया है, जो कि ऐसी ट्रेन है जो कि 760 माइल्स पर आवर की स्पीड से चलती है और वैक्यूम में चलती है, और उसमें कंप्रेस्ड एयर और इंडक्शन मोटर का यूज़ किया गया है। और ये जो ट्रेन है बहुत ही गजब की ट्रेन है, जो कि हमारे किसी भी डेस्टिनेशन तक बहुत ही जल्दी बहुत ही कम समय में पहुंचा सकती है। और ये फ्यूचर ट्रेन होने वाली है हमारी। एंड फ्यूचर में जो इंटरनेट होगा वह सभी के लिए एक्सेसिबल होने वाला है। और जैसे कि आपको पता है हमारी लाइफ बिना इंटरनेट के हम सोच भी नहीं सकते हैं, बट अभी भी हमारी जो पूरी दुनिया है उसमें जितने भी लोग हैं उसके सिर्फ आधे लोग ही इंटरनेट को एक्सेस कर पाते हैं, यानी कि सिर्फ आधे लोगों के पास इंटरनेट अवेलेबल है अभी। और उसके बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि इकोनॉमिक और सोशल रीज़न हैं, बट हमारे फ्यूचर में जो इंटरनेट होगा वह सभी के लिए एक्सेसिबल होने वाला है। और गूगल जैसी कई सारी ऐसी कंपनीज है जो कि इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए अपने प्रयास में लगी हुई हैं। जैसे कि जो गूगल कंपनी है वह हीलियम बलून्स को ऐसे एरियाज जहां पर भी इंटरनेट एक्सेसिबल नहीं है वहां पर हीलियम बलून्स को कुछ हाइट पर वहां पर प्लेस कर दिया जाता है, और वहां से जो इंटरनेट के बीम है वह उसे घर घर तक पहुँचाई जाती है, जैसे कि इंटरनेट सभी को एक्सेसिबल हो सके। और जो फेसबुक कंपनी है वह भी इसी तरह के कुछ प्रयास कर रही है, जिसमें कि वह जो ड्रोन्स हैं उनका यूज़ करके इंटरनेट पहुँचा रही है लोगों तक। और कई सारी कंपनी ऐसा भी सोच रहे हैं कि लो ऑर्बिट पर माइक्रो सैटेलाइट्स को लॉन्च करके उनसे इंटरनेट पहुंचाया जा सके, यानी कि जो इंटरनेट होगा वह सीधे सैटेलाइट से घर घर तक पहुंचा सकेगा, और वह जो होंगी वह हर घर तक इंटरनेट प्रोवाइड कर पाएंगी। और ये बहुत इफेक्टिव तरीका है इंटरनेट पहुंचाने का, शायद फ्यूचर में हमारे लिए काम आएगा। और हमारे फ्यूचर के लिए एक ऐसी ही हाइब्रिड प्रजाति को बनाया गया है, ना ही वह जानवर है, ना ही कोई इंसान है और ना ही कोई रोबोट है, बट ये जो रोबोट है इसका बोलेंगे तो ये लिविंग रोबोट है, यानी कि ऐसा रोबोट है जो कि जिंदा रहने वाला है। तो इसको फ्रॉग के एम्ब्रायो से लेकर बनाया गया है, यानी कि फ्रॉग में जो एम्ब्रायोस होते हैं जो कि ह्यूमन बॉडीज में स्विम कर सकते हैं उनका यूज़ करके इसे बनाया गया है। और इसमें कुछ ऐसी मशीन्स को डाला गया है, यानी कि मशीन्स के अंदर इन सेल्स को डाला गया है, जिसकी वजह से जो मशीन से वह ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करती हैं, यानी कि लाइक किसी एनिमल, जैसे कोई एनिमल हो। और हमारे वैज्ञानिकों ने कुछ ऐसा ही गजब कॉन्क्रीट बनाया है जो कि हमारे फ्यूचर में बहुत ही काम का होने वाला है, जो कि सेल्फ हीलिंग कॉन्क्रीट है, यानी कि अगर वह कहीं से भी टूट फूट जाता है तो खुद को सेल्फ हील कर सकता है, यानी कि खुद से जुड़ जाएगा। और इसे सैंड यानी कि रेत, जल और बैक्टीरिया का यूज़ करके बनाया गया है, और ये बहुत ही एनवायरमेंट फ्रेंडली है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर वह सेल्फ हील होता रहा। और यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो में ये बनाया गया है।